नमस्ते, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लगाने वाले हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप। उससे पहले प्री वर्कआउट लेते हैं, आपसे मिलते हैं, फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। अभी हम चेस्ट की वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले लगाएंगे फ्लैट डंबल प्रेसेस, जो हमारे मिडिल ऑफ द चेस्ट के लिए है। 3 सेट्स लगाएंगे, 10 टू 15 रेप्स के बीच में लगाएंगे। सो लेट्स डू इट। तो गाइस, अभी हमने फ्लैट बेंच प्रेस लगा लिया है और बहुत ही क्रेजी सा आ रहा था, लोड काफ़ी आई है। अब हम लगाने जा रहे हैं केबल फ्लाई। सो लेट्स डू इट। जो इंक्लाइन होगी इसके भी हम करेंगे 3 सेट्स एंड 10 टू 15 रेप्स। तो गाइस, अभी केबल फ्लाई के बाद हम लगाने जा रहे हैं चेस्ट प्रेस मशीन, जो इंक्लाइन पे लगाएंगे और उसके 4 सेट्स लगाएंगे। रैप्स हमारी 10 टू 15 के बीच में होगी। सो लेट्स डू इट। अब हम लगाने जा रहे हैं डिक्लाइन रॉड बेंच प्रेस। ये हमारी लोअर चेस्ट की वर्कआउट है। लेट्स डू इट। इसके करेंगे 3 सेट्स, 10-15 रेप्स इसके भी करेंगे। सेट कर लिया इसके बेंच प्रेस एडी क्लाइंट के। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट वर्कआउट करेंगे
हेक्टिक फ्लाइट, सो जस्ट कम्प्लीट इट। हेक्टिक फ्लाइट कम्प्लीट करने के बाद हम ट्राइसेप लगाते हैं, तो चलिए पहले चेस्ट की वर्कआउट अच्छे से कर लेते हैं। चेस की वर्कआउट कंप्लीट कर ली और वर्कआउट बहुत मज़े से करा मैंने और पंप भी अच्छा है। और अब मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि अपनी वर्कआउट के साथ आपको वो कुछ सिखाता चलूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं दिखा ही रहा हूँ कि मैं वर्कआउट करे जा रहा हूँ, कुछ आपको बता नहीं रहा कि कैसे करना है क्या करना है। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि मैं आपको भी थोड़ा बहुत बताता रहूँ और जैसे आप लोगों की भी हेल्प हो, कि बहुत लोग पीटी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत पीटी नहीं ले पाते हैं, तो उनको हेल्प मिल जाए इस वीडियो से कि उनको कौन सा वर्कआउट लगाना है और कैसे लगाना है, तो थोड़ा बहुत उनको भी आइडिया मिल जाएगा ना, तो वो थोड़ा सही से कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, तो अभी नए जिम में आए हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है जिम करने में, वो सोचते रहते हैं कि क्या करूँ क्या लगाऊँ नहीं लगाऊँ आज जिम में क्या करूँगा। वो अलग अलग एक्सरसाइजेज वीडियोस यूट्यूब से देख के आते हैं, इंस्टाग्राम से देख के आते हैं, कि जो वर्थ इट नहीं है, मतलब वर्थ इट इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिगिनर है, उनके पास नॉलेज नहीं है। वो देख तो लेते हैं कि कैसे करना है क्या करना है, बट पूरा परफेक्शन नहीं कर पाते कि उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो उनको बहुत थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी ना, तो वो अच्छा रहेगा। तो अभी चलिए हम ट्राइसेप लगाते हैं, और ट्राइसेप में हम पहले लगाएंगे वाइड ग्रिप पुश डाउन। सो लेट्स डू इट। हमने जिग जैग बार से लगाया है और बॉडी को हल्का आगे की तरफ बेंड रखा है। पूरा बॉडी में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना, इतना ही लीन होना है जिससे वेट आपकी बॉडी ना कॉन्स्टेंट रह ना पाए। सीधा रहने से आपको ज़्यादा लूड़ आएगा बॉडी पर ना, तो बॉडी बार उठ जाएगी, इस वजह से हम लोग थोड़ी लीन रखते हैं बॉडी को। और पूरा नीचे स्ट्रेच करेंगे और हाथों को ऊपर हाफ ही लाएंगे ताकि हमारे रिस्ट में टर्निंग ना हो, ताकि वो एक्सटेंशन वाले लोड ना है, फोरआर्म पे लोड लगेगी ना अगर ज़्यादा ऊपर लगे रहेंगे तो, इस वजह से। तो हमारा ये वाइड ग्रिप पुश डाउन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लगाने जा रहे हैं ओवरहेड एक्सटेंशन केबल पे। सो लेट्स डू इट। उसके भी करेंगे 3 sets 10 to 15 बैक। अब हम लगाने वाले हैं सिंगल हैंड ओवर एक चर्चा लगा रहे हैं, जो बैंसर की लास्ट वर्कआउट है हमारी।
की अच्छी वर्कआउट खत्म करने के बाद अभी आ चुके हैं हम लोग चेंजिंग रूम में। तो अब लेंगे हम प्रोटीन और केराटीन दोनों, हमारी बॉडी में क्या काम करता है। आप तो फिटनेस के लाइन में हो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्रोटीन से हमारी मसल रिकवरी फास्ट होती है और केराटीन से हमारे मसल में वाटर होल्ड होता है जिससे हमारा साइज थोड़ा इंक्रीज होता है। तो और डेफिनेशन अच्छी आती है बॉडी में। मैं केराटीन ऑलमोस्ट कंटिन्यू लेता हूँ ताकि मेरी बॉडी अच्छी दिख सके। तो आइए चेंज करते हैं, शूज़ वगैरह भी चेंज करते हैं, फिर चलते हैं घर। यहाँ पे मुजफ्फरपुर की जिम्स में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शूज़ चेंज करना पड़ता है। ये हमारे विशाल लोग आते हुए, जय हिंद दोस्तों। दोस्त ने नया फ़ोन लिया है लेकिन फ़ोन का पार्टी नहीं दिया है। 40,000, दिस वॉच 40,000। एक्चुअली गाइस ये फ़ोन EMI पे, इसलिए पार्टी देना भी EMI पे लगे। गाइज आज का वर्कआउट मैंने ख़त्म कर लिया है और अब जा रहे हैं घर। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, नए मोटिवेशन के साथ और नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ाएं अपना, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके। सो बाय बाय।